जी हाँ, फैमिली ड्रामा जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। इस्तीफे को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से पार्टी के कई नेता इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। करीब 13 नेताओं ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफे की पेशकश वो कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अब वो पद पर बने रहेंगे। मतलब जो ड्रामा चल रहा था, अब वो शायद लग रहा है कि अब खत्म हो जाएगा या अभी और खींचेगा। कांग्रेस के बागी विधायक अल्पेश ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में गुजरात कांग्रेस के 15 से 17 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। गुजरात कांग्रेस के अल्पेश ठाकुर ये दावा कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया। भूपेश बघेल ने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना के साथ साथ सावरकर को भी जिम्मेदार बताया। चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल के कई शहरों में हिंसा लगातार जारी है। बांकुड़ा के तारापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प में 21 लोग जख्मी हुए, 19 गिरफ्तार किए गए हैं। उधर यूपी के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव की है। वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे राहुल गांधी, ये भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो इस्तीफे की नौटंकी चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि आज इसे लेकर सीडब्ल्यूसी की कोई बैठक नहीं होने वाली है। आज सुबह ही प्रियंका वाड्रा, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने भी कहा कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। अल्पेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के बागी विधायक अल्पेश ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले कुछ दिनों में गुजरात कांग्रेस के 15 से 17 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। अल्पेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में नेताओं की कमी और हर किसी में पद की होड़ मची है, हर किसी में। ऐसे में यही हालात रहे तो अगले 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकती। होड़ लगी है पद की हर किसी में, एक बड़ा पद लेने की। आपने शशि थरूर का बयान जरूर पढ़ा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नेता विपक्ष लोकसभा में नेता विपक्ष बनने को तैयार हूं, अगर मेरे से कोई कहे तो। शायद उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं अल्पेश ठाकुर। पार्टी के पास जनाधार नहीं है, पार्टी के पास वो बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है, और नेता सिर्फ नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। और नेता भी और सब इलेक्शन के आने से पहले कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई मेयर बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी आप सत्ता तो ला नहीं पाते। और उससे पहले ख्वाब, सुनहरे ख्वाब में चले जाते हैं कि हम सत्ता को भोगने के लिए आ रहे हैं और सत्ता हमारी बन जाएगी। इस तरह से सत्ता नहीं बनती, सत्ता लोग बनाते हैं। सत्ता ईमानदार नेताओं को चुनना चाहती है और अपने नेताओं को चुनना चाहती है। वो अपनापन खो चुके हैं, वो नेतागिरी खो चुके हैं और एक ईमानदारी की सोच खो चुके हैं।